ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಲಶಕ್ತಿ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ಲೋಕಸಭೆಗಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. जो तुंगा से भद्रा के बीच में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई है. आगे जाकर जो टनल कंप्लीट होना था वो काम भी पूरा हुआ है और नहरों के काम में भी काफी अच्छी प्रगति है. ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री. दे डिडंट गेट द आंसर सर. वी डिडंट गेट द आंसर सर. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯುಬಿಪಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುಬಿಪಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್. ಕೇಂದ್ರ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣ ರಾಣೆ ದೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 280,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದನದ ಕಲಾಪ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. I don't know, maybe my colleagues amongst the officials very well prepared. I can confirm for Kolam, I can confirm for some others, but I want to assure the honorable member where a draft master plan has not been prepared or they need some hand holding or capacity building assistance, we are ready to provide that. Kya intelligent mantri aur intelligent prashna, intelligent mantri aur intelligent members, agar dono jawab प्रश्न करने लग जाए एक घंटा लग जाएगा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 131 संजय सदाशिव मांडलिक, सुबोध पाठक. माननीय मंत्री महोदय, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. क्वेश्चन नंबर 132 डॉक्टर आलोक कुमार सुमन. माननीय मंत्री महोदय, पटेल पर रखा गया. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सभ्या हवाई पट्टी एक उड़ान योजना के तहत असीमित हवाई पट्टी के रूप में शामिल है और जवाब मिला है कि ये कोई भी एयरलाइन बोली नहीं लगा रही है. महोदय, मेरा ये कहना है कि ये 517 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें से 338.66 एकड़ जमीन अतिक्रमित है. जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं महोदय, कोई बोली कैसे लगाएगा. अतिक्रमण हटाने के लिए और उसको चालू करने के लिए सरकार अगला काम क्या कर रही है. महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, उड़ान योजना के अंतर्गत सबिया एयर स्ट्रिप गोपालगंज जिले में हमने चारों राउंड में उड़ान के राउंड में हमने प्रेषित किए थे. जैसे आपको मालूम है कि नागर विमानन क्षेत्र आज एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है, डीरेगुलेटेड सेक्टर है और उसके तहत निजी क्षेत्र की जो भी बिडिंग आती हैं उसी के आधार पर हम लोग शुरुआत फ्लाइट्स की करते हैं. हमारी कोशिश होगी भविष्य में भी कनेक्ट असेवित हवाई अड्डों को सेवित हवाई अड्डे में परिवर्तित करने के लिए. लेकिन जैसे माननीय सांसद महोदय ने बताया कि ये राज्य सरकार का हवाई अड्डा है और अतिक्रमण हटाना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी राज्य सरकार से जल्द चर्चा करें ताकि वो अतिक्रमण हट पाए और उसके आधार पर हम आगे का कार्रवाई कर पाए. ऑनरेबल मेंबर, ये हवाई अड्डा महोदय रक्षा मंत्रालय का है ना कि राज्य सरकार का? आपका क्वेश्चन क्या है सर? ये रक्षा मंत्रालय की हवाई पट्टी है तो राज्य सरकार इसको कैसे हटाएगी? माननीय मंत्री जी, रक्षा मंत्रालय को पत्र लिख देना आप. जी, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 132 अधीर रंजन चौधरी जी.